3/5 part of the male population and 4/5 part of the female population are married. And condition is the same, ki one male can marry a one female. And similarly for the female, one female can marry a single male. Okay. तो इसको अगर हम लोग फिगर के तौर पे अगर करेंगे तो पहले हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया कि टोटल बार को हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. यस सर. ठीक है, जो कि मेल पॉपुलेशन का है. यहाँ पे मेरे को बार की लेंथ नहीं मालूम, बट जितना भी बार है उसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड किया. व्हाई? बिकॉज हमारा क्वेश्चन क्या था कि 3/5 पार्ट ऑफ द मेल आर मैरिड, तो हम लोग इसका 3/5 पार्ट ले लेते. ओके, तो दिस ब्लू कलर पार्ट शोज द मैरिड पॉपुलेशन ऑफ द मेल. ठीक है, नाउ द कंडीशन इज व्हाट? ये तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स मैरिड जो है, नंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शंस. सो इसके एग्जैक्टली इक्वली हम लोग क्या करेंगे, फीमेल मेल फीमेल मैरिड पॉपुलेशन को ले लेंगे. अग्रीड? नाउ अब ये फीमेल मैरिड फीमेल पॉपुलेशन का कितना फ्रैक्शन था? 4/5. तो हम लोग इसको एग्जैक्टली कितना पार्ट कर देंगे? 4 पार्ट. यहाँ पे पार्ट्स अलग अलग है, आप ऊपर वाले और नीचे वाले के पार्ट्स को कंपेयर करके देखिए. मेल पार्ट्स बड़ा है जबकि फीमेल के जो फ्रैक्शन से पार्ट्स है वो छोटे हैं. बट हमारा ये 4/5 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली इसी के बराबर का और एक पार्ट मुझे जोड़ देना पड़ेगा एंड इट बिकम द टोटल फीमेल पॉपुलेशन. और इस टोटल फीमेल पॉपुलेशन को नाउ अब भी मैं इस फ्रैक्शन को एड सब्ट्रैक्ट या जोड़ नहीं सकता बिकॉज मेरे सारे फ्रैक्शंस अलग अलग हैं. मेल पॉपुलेशन का फ्रैक्शन जो है फीमेल पॉपुलेशन के फ्रैक्शन से बड़ा है, जो पार्ट है एक सिंगल पार्ट वो बड़ा है. तो हम लोग कल मैंने ये वर्ड यूज किया था कि हम गधे और घोड़े को जोड़ नहीं सकते, फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, पार्ट अलग अलग हैं, इसीलिए इसे नहीं जोड़ा जा सकता. तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमें अगर जोड़ना है तो हमें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो पहले ये पार्ट्स को सेम करने पड़ेंगे. इसीलिए ऊपर वाले पार्ट को मैंने फिर से 4 भाग में बांट दिए. जो मेल के फ्रैक्शंस थे हर एक इंडिविजुअल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सिमिलरली फीमेल के पार्ट्स को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. और ये करने से हमारे क्या होता है कि सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, एज वेल एज अवर मैरिड पार्ट एंड द मैरिड पार्ट ऑफ द मेल और मैरिड पार्ट ऑफ द फीमेल, वो भी हमारे एग्जैक्ट इक्वल है. बट अब हमारा ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाता है कि टोटल ये इक्वल होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमारे 35 पार्ट में डिवाइड हो गया टोटल पॉपुलेशन. एंड आउट ऑफ विच अगर मैं व्हाइट पार्ट को गिनता हूँ विच इज द 11 पार्ट, तो सो अनमैरिड पार्ट इज 11/35. हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को इक्वल किया था ना कि डिनोमिनेटर को.